जिन धर्म प्रभाविका परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम परिवार के द्वारा कई संस्थाएं समाज व त्यागी व्रतियों की सेवा में कार्यरत है। ये संस्था साधु साध्वियों के लिए आहार विहार औषधि पिच्छी कमंडल व आवास की सुविधा देश के विभिन्न शहरों से सेवा दे रही है। प्रमुख रूप से श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी साथ ही साथ महानगर दिल्ली में संस्था द्वारा सेवा के सराहनीय कार्य हो रहे हैं। इस कार्य में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का दान कर पुण्यार्जन करें। सहयोग राशि बैंक में जमा कराकर हमें अवश्य सूचित करें। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण, खाता नाम श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम पटपड़गंज दिल्ली, खाता संख्या 3979001001316122, IFSC कोड PUN B039790। श्री समीन शिखर आदिनाथ आदर्श सेवा समिति, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया मधुबन पारसनाथ झारखंड, खाता संख्या 4809101000375, IFS कोड BKID 000489। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9660403861 8107961146। ऊपर की ये टेढ़ी मेढ़ी राह मार गई, पहले पहले अर्घ चढ़ावन की बढ़ाई मार गई, अरे ऊपर ताया बाबा की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आइए ऊपर करो हाथ बिल्कुल सीधे, एंटीना जितनी ऊंची पिक्चर उतनी साफ, ऊपर ताया बाबा की जुदाई मार दी, जुदाई मार दी, ऊपर गया बाबा की जुदाई मार दी, जुदाई मार दी। पहले तो मधुबन की ये चढ़ाई मार गई, ऊपर की ये टेढ़ी मेरी राह मार गई, पहले अर्घ चढ़ावन की बढ़ाई मार गई, ऊपर ताया, ऊपर गया बाबा की जुदाई मार दी, जुदाई मार दी। तालियां। के बिना गुलाब और केत की चुनाई के, धार चरण के समीप काम को नशाई के, निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओ, अरे ऊपर काया बाबा की जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। ध्यान रखना
संवेश करो या महावीर जी हो, वो पुण्य परमाणुओं से विशुद्ध क्षेत्र है जहाँ आज भी अनंतानंत अर्यंत पद्मा पदों ने सिद्ध परमात्म पद पाया है। वो वर्गनाएं आज भी वहाँ विद्यमान है। हम हर जानने वाले को उस परमात्मा की वर्गनाएं मिलेंगी तो दुनिया की कोई ताकत कोई कर्म बंधन हमें परमात्मा बनने से नहीं रोक सकता है। तुम्हारे घरों में औकात ही क्या रहती है? वही जिंदगी है कि कुत्ता को डंडे मारो फिर कुत्ता घर में ही आ जाता है। ऐसे ही परिवार के लोग तो सोचते हैं हे भगवान चली जाए। आपको पता है जब जवानी होती है तो बहू कहती है मम्मी जी जल्दी आ जाए करो मंदिर से, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। बेटा कहता है पिताजी जल्दी आ जाए करो दुकान से, दुकान में ग्राहकी ज़्यादा रहती है। जब बूढ़ी हो जाओ और आदत रोज़ जाने की घर रहेगी तो बहू भी सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे दो घंटे मंदिर में काट रहा है इससे चैन नहीं पड़ती। जैसी जाती है वैसी आ जाती है, ये बुढ़िया घंटे दो घंटे मंदिर में काट ले से चैन नहीं पड़ती है। और बेटा भी बोलता है पिताजी घर पे ही आराम किया करो, आपकी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। तो ध्यान रखना तुम्हारी घर में ये औकात हो जाती है फिर भी तुम घर नहीं छोड़ना चाहते हो। चलिए आप लोग सब भाव बनाएंगे, भाव अच्छे में, क्या पता तुम लोग अजीब किस्म के हो, कुछ भी अच्छी बात भी कहो तुम ऐसे ही बैठे रहते हो। वो हालत है मियाँ जी उदास क्यों, बोले शक्ल ही ऐसी है अच्छी से खुश। हाँ देखो अब मैंने शकल की बात कही तो तुम हंसे, अच्छे अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तारीफ अगले शहर में करूंगी ठीक है ना। जरा प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे आते अरे जय बाबा की कहते जाओ, आने जाने वालों को पीछे मुड़कर तुम मत देखो, अपने पाँव के खाली को ओ, जिसने जितना कष्ट सहा है चैन भी उतना पाया है। चलो बुलावा आया है, पारस ने बुलाया है, अरे जय बाबा की चलो। हार का दीजिर बटा दी रक्त थाले में भरूं, हर्ष धारी के जजु सुमोक्ष सुके को भरूं। ओ ऊंचे पर्वत पर बैठे प्रभु अपना डेरा लगाया है। चलो चलो जी चलो चलो, बुलावा आया है मेरे बाबा ने बुलाया है। कहते हैं भगवान की वो दिव्य ध्वनि की बात चलती है, आज उस भगवान की उन वाणी की बात करते हैं। लोग कहते हैं भौतिकता ने आज सब ट्रांसलेट करना सीख लिया और यहाँ का है स्वर्ग और अपवर्ग मार्ग पर आपकी दिव्य ध्वनि चलाती है। अपवर्ग मार्ग होता है यानी मोक्ष मार्ग, और स्वर्ग मार्ग यानी जो आपकी वाणी को सुन भी लेता है उसके जन्म जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि द्रव्यों की पर्यायों की हर पर्यायों की बातों को ज्ञान कराती है। और क्या लोकत्र और तीनों लोक में सबसे शुद्ध और अच्छी कोई वाणी है तो भगवान की दिव्य वाणी है। कैसी होती है हम रोज पढ़ते हैं, दस अस्त्र महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक से 18 महाभाषाओं में और कितनी लघु भाषा में 700 लघु भाषाओं में। आज क्या भाषाएं, लोग विज्ञान कितनी तरक्की करेगा सोचने के देखना। सदमोसरण में पक्षी रहते हैं, देव रहते हैं और मनुष्य रहते हैं, उन सब की भाषाओं में अपने आप परिवर्तित हो जाती है भाषा। और ऐसी नहीं है, हमारे तो आचार्यों ने कहा श्रावक को भी कैसी भाषा बोलना चाहिए, पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयन उचारें,
ध्यान लेना, भगवान की भाषा की अकेले पूजा करने से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान की अकेले भाषा की आराधना करने से नहीं मिलेगी। उन भाषा को हम समझें कि हमें कैसी भाषा बोलना चाहिए और कैसी नहीं बोलना चाहिए। जग सुहित कर सब गहित हर, श्रुति सुखद सब संशय करें, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्योंकि कह दिया कैसे वचन नहीं बोलना, तो कह दिया क्रोध से, लोभ से, हास से और अनुचित वासना से व्यर्थ में नहीं बोलना। आप ध्यान रखना, क्रोध में आकर हम बहुत बुरी बुरी बातें बोल जाते, क्रोध में आकर बाप वो बातें बोल जाता है जो सोचे तो अपने आप पर आपको लगेगा मैंने क्या बोल दिया। एक बाप बोल जाता असल बाप का है तो इसी वक्त निकल जा। माँ क्रोध में कह जाती है कि तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ध्यान रखना, वो बच्चे को मारने का भाव नहीं लेती है और गलत भाव लाना भी नहीं। आज आपको ये बात कह दूं, यदि गलत गीत सुनते रहोगे धीरे धीरे तुम्हारे आचरण वैसा हो जाएगा। क्योंकि यदि सज्जनों की आराधना की जाए, वही शब्द तुम्हारे जुबान से निकलते हैं तो भजन बन जाते हैं, और वही राग के गीत निकलते हैं तो गाने बन जाते हैं, और वही क्रोध में निकलते हैं तो गालियां बन जाते हैं। शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है, शब्द तो वही वर्णमाला होती है, उनसे शास्त्र भी रचे जाते हैं और काम सूत्र भी रचे जाते हैं। वाणी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक वाणी जिन वाणी हो जाती है, पूजनीय हो जाती है, उस वाणी को कोई सुन ले तो कल्याणकारी हो जाता है। हमारे का जग सुहित कर, सबका हित करने वाली वाणी बोलना, सब अहित कर। अपन कैसी वाणी बोलते हैं? कहते हैं कि जो तो को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मो को काटा बोए, बाए बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। ध्यान रखना, हमें ऐसी वाणी नहीं बोलना है जो कि वास्तव में कोई बाग बाग आग आग हो जाए। बाग बाग का मतलब तो धन हो जाए। आप किसी से पूछने जाओ, कोई डॉक्टर कहे कि ठीक टाइम पर आ गए बच जाएंगे, बताओ आपको कितना अच्छा लगता है। और अब कोई डॉक्टर कहे अब आए, अब तो मरने का टाइम है, अब क्या बचोगे। उसी टाइम आप आधे मर जाते हो, डॉक्टर आपको टाइम दे कि कल देख लेंगे, आप रात भर चैन से सो जाते हो। और कोई बदमाश टाइम दे कि कल देख लेंगे तो रात भर सो नहीं पाते हो। क्योंकि शब्दों में कोई अंतर नहीं है, अभिप्रायों में बहुत अंतर है, हमारी फीलिंग्स में, हमारे उद्देश्यों में बहुत अंतर है। जब भगवान की वाणी हम श्रोता होकर सुनते हैं तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाता है। कह दिया अप्रिय कटोक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अप्रिय, ध्यान रखना तीनों चीजें होना चाहिए, अप्रिय भी नहीं हो, कठोर भी नहीं हो और कटुक भी नहीं हो। आपकी वाणी, आपको पता क्या है, ये सामान्य ससा तुम फंक्शन कर रही हो, अरे अच्छा सा करना चाहिए ना, तुमने कभी सोचा ये शब्द तुम्हारे उसको घाव का काम कर जाएंगे। जिस पर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी परिणति को ऐसा बनाओ। सिर्फ स्वाध्याय और सिर्फ शास्त्रों की बातें आपका कल्याण नहीं करेंगे, उन शास्त्रों की बातों को सुनकर अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि किसी के घर जाओ, कोई यदि आपको गलत भी बोल दे तो आप प्रेम से जवाब दो। आप यही तो साधना है, साधना के लिए माला फेर लेना साधना नहीं है। तुम्हारा हर कृत्य एक भजन बन जाए, तुम्हारी हर चर्या पूजा बन जाए, तुम्हारा हर चरण तीर्थ बन जाए,
क्योंकि भगवान आने को तो अपन लोग भी कहीं जन्मे हैं, भगवान भी कहीं तीर्थंकर भी जन्मते हैं, लेकिन जन्म में कोई गांव होगा, कोई नगर होगा, कोई माँ की गोद होगी, कोई शहर होगा, कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जो परम विशुद्ध उनकी वाणी कैसी, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निराक्षर मय भाषा समय, कैसी है, अनक्षरात्मक है, ओंकार रूप है, सर्वांग से जरती है, लेकिन फिर भी सब जीवों का कल्याण करती है। आज आपको पता, पहले हमारे यहाँ वाणी की कितनी मर्यादा थी, और मैं कहती भी हूँ कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। परम पूज्य समिता शिरोमणि हरियाणा उद्धारक जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व मंगल आशीर्वाद से श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट द्वारा त्यागी व्रतियों हेतु तीर्थराज समेद शिखर जी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी एवं महानगर दिल्ली में शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ विहार पिच्छी कमंडल शास्त्र एवं औषधि हेतु संपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जरूरतमंदों के कल्याणार्थ दिव्यांग शिविर, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण, ट्राईसाइकिल एवं गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई मशीन आदि का वितरण जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। आप भी श्री आदि सृष्टि मंगलम ट्रस्ट से जुड़कर इस परम पुनीत महाअभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। योजना निम्न प्रकार है: परम शिरोमणि संरक्षक 151,000, शिरोमणि संरक्षक 111,000, संरक्षक 51,000, आजीवन सदस्य 31,000, सामान्य सदस्य 21,000, वार्षिक सदस्य 11,000। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण, खाता नाम श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम पटपड़गंज दिल्ली, खाता संख्या 3979000100131622, IFSC कोड BU N B 0 3 9 7 9 00। श्री समेद शिखर आदिनाथ आदर्श सेवा समिति, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया मधुबन पारसनाथ झारखंड, खाता संख्या 4809101000375, IFS कोड BKID 0004809। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9660403861 8107961146।